हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, प्रीवियस डे तो गोल्ड में हमें काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा था और जो लेवल हमने सपोर्ट के लिए मार किया, मार्केट ने काफ़ी अच्छे से उस लेवल को सपोर्ट लिया। इसके बाद ही मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। आज भी दोस्तों कुछ ऐसा ही गोल्ड में हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। तो आज हम गोल्ड में कैसे सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, किस लेवल को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार करें, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डे हमने कौन सा सपोर्ट जोन मार किया था। दोस्तों, ये था हमारा एक प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया। अब ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया था? दोस्तों, ये सपोर्ट हमने इसलिए मार किया क्योंकि प्रीवियस टाइम मैंने बताया था ये लेवल को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम। दोस्तों, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो सपोर्ट जोन मार किया था, जब मार्केट इस लेवल के आसपास रिजेक्शन कर रही थी, इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रही थी, उस टाइम पे हमने ये सपोर्ट जोन मार किया था। हमारा व्यू था मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, ये माइनर सा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है और देखो मार्केट ने इस लेवल को ही सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया, जो हाई का टारगेट था बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमें देखने को मिला। दोस्तों, आपके साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इस सेटअप को शेयर किया था, जैसा कि आप देख पाएंगे। आई होप ट्रेडर्स, प्रीवियस डे आपने भी कुछ इस तरीके से ही अपना एक सिंपल सा एनालाइज किया होगा। दोस्तों, जो भी हमारा सिंपल डेली बेसिस का एनालिसिस होता है ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जो भी हम मार्क करते हैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज भी कुछ ऐसा ही दोस्तों हमें एक सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे, इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भी दोस्तों इस तरीके से सिंपल सा एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूले। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम में आज क्या सेटअप बन रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट के ट्रेंड को समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मार्केट का जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट प्रीवियस टाइम बहुत अच्छा एक हैवी अप ट्रेंड में था, जिसमें कंटिन्यू मार्केट हायर हाई लगा रहा था, हायर लो, अगेन मार्केट ने देखो यहाँ पे एक हायर हाई जैसा यहाँ पे लगाया, इसके बाद रिजेक्शन आया। अगर हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं, हमें एक डबल टॉप जैसा दिखाई देगा, डबल टॉप जैसा दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं। देखो ये फर्स्ट टॉप हो जाएगा एंड ये सेकंड टॉप जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद रिजेक्शन आ, यानी ये जो सपोर्ट लेवल था जिसको हम निकलाइन बोलते हैं, निकलाइन एरिया, एम पैटर्न का जो निकलाइन था सर, वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ब्रेक डाउन हो चुका है, मार्केट यहाँ पे अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करने जैसा हमें दिखाई दे रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे टॉप पर मार्केट ने एक एम पैटर्न जैसा यहाँ पे बनाया। अब देखना होगा दोस्तों यहाँ पे मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करती है या फिर मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन लेंगे। चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखते हैं किस तरीके से हम कंफर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, कौन से लेवल को रेसिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमें एक रेसिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है, ये वाला जोन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, एज ए रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस हमने क्यों मार किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस ये क्यों मार किया, इस लेवल को ही मार्केट रिस्पेक्ट क्यों कर सकती है? तो देखो हमने इसलिए मार किया ट्रेडर्स इस लेवल को। प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो देखो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके बाद देखो अपसाइड का मोमेंटम आया, अगेन मार्केट जब रिजेक्शन कर रही थी उस टाइम पे देखो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, मतलब रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को, जैसे प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था ना, तो इसलिए मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब दोस्तों ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर डाउन साइड मार्केट को ट्रेड करना है, गोल्ड यहाँ से अगर डाउन साइड ट्रेड करना चाह रहा है तो ये एक बहुत अच्छा सा रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया है, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरा जोन है सर, एरिया है,
ठीक है, ये हो गया सर फर्स्ट रीजन, मैंने आपको दिखाया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन भी यहाँ से हम समझते हैं। सेकंड रीजन, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट क्यों कर सकती है और क्यों यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। देखो, अगर हम यहाँ से हाई टू लो फीवो को मार करते हैं, क्या करेंगे हम, हाई से पकड़ेंगे फीवो को एंड लो के लिए मार कर देंगे। ये मैंने हाई से पकड़ा सर और लो के लिए फीवो को मार कर दिया। अब यहाँ से फीवो के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं, कौन सा है इम्पोर्टेंट लेवल, 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल। दोनों ही लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम मार्केट इन दोनों लेवल्स को रिटेस्ट करने आती है, रिस्पेक्ट करने आती है, ठीक है। तो यहाँ भी ये रेसिस्टेंस लेवल पे दोनों ही फीवो के इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। ये हो जाएगा दोस्तों सेकंड रीजन। अब यहाँ से अगर हम थर्ड रीजन समझे तो कैसे निकल के आएगा थर्ड रीजन। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे। दोस्तों ट्रेंड लाइन कैसे मार करेंगे, ट्रेंड लाइन को यहाँ से फर्स्ट सुन लो, सेकंड सुन लो, ठीक है, ऐड कर लिया। इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे तो देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली थर्ड सुन लो भी यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, इसी ट्रेंड लाइन को मैं आगे के लिए एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये ट्रेंड लाइन का भी एक रेसिस्टेंस लेवल है। प्रीवियस टाइम ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया, फाइनली ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से हो सकता है रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन करे। तो यहाँ से थ्री रीजन्स हमें यहाँ से निकल के आ रहे हैं कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस एरिया है, जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन करती है तो फिर कितना डाउनफॉल कर सकती है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा सपोर्ट मार्केट ले सकती है। तो देखो सपोर्ट की अगर बात करें तो ये वाला एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। प्रीवियस टाइम भी इस लेवल को प्राइस ने काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ सर, रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन मार्केट ने देखो इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, रिस्पेक्ट किया। इसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करने के बाद देखो यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो हो सकता है मैं भी इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट करे। अभी मार्केट रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है, अब देखना होगा यहाँ पे किस तरीके का मार्केट प्राइस एक्शन बनाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, हमें यहाँ से समझना होगा पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रिजेक्शन ही आगा, नहीं, 100% कुछ नहीं होता यहाँ पे, 100% कुछ नहीं होता। यहाँ से हमें देखना होगा प्राइस एक्शन, किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। हो सकता है मैं भी इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे टेरस, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिटेस्ट करने आती है तो यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम भी आ सकता है। ये सेकेंड कंडीशन जिसको हमें बोलना नहीं है। कैसे ट्रेड कर सकती है मार्केट, हो सकता है मैं भी यहाँ पे ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे और इसके बाद यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाए, ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड कंडीशन बन सकती है। यहाँ पे हम लेवल चेक कर लेंगे दोस्तों, इसका लेवल क्या है, 2445.762 एंड 2439.868 का ये एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इस तरह आज के दिन गोल्ड में आवरली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरह आज हमें गोल्ड में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।